उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे उत्तरकाशी, जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। खबर जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, जहां जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे हरीश रावत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी उनके साथ मौजूद हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है मुख्यमंत्री हरीश रावत के यहां संबोधन को लेकर। तो आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव है तो सभी पार्टियां सक्रिय हैं, बीजेपी भी लगातार दौरे कर रही है, जनता को संबोधित कर रही है। इस बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं है क्योंकि कांग्रेस नेता भी लगातार जनता को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई लुभावने वादे कर रहे हैं, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो कांग्रेस या बीजेपी पार्टी को मिले। अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से सब यहाँ पर जनता से वादे करते नजर आ रहे हैं। हरीश रावत जिंदाबाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनीत कसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तरकाशी पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दो लगभग चुनावी सरगर्मियां तेज यहां पर देखने को मिल रही है, और अब यहां पर कल रक्षा मंत्री राजनाथ के बाद अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व सीएम हरीश रावत भी यहाँ पहुंच चुके हैं, और काफी हद तक यहाँ पे जो कांग्रेस द्वारा जनसभाएं यहाँ पे की जा रही थी, एक और जनसभा यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी जी विनीत, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, लगभग देखा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर देखने को मिल रहा है लगातार, और इसको लेकर बीजेपी यमुनोत्री विधानसभा से किसी बड़ी दावेदारी को लेकर यहाँ पर दीपक विजवान की दावेदारी यहाँ पर आपकी टक्कर दे सकती है कांग्रेस पार्टी को। जी जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें पूर्व सीएम हरीश रावत उत्तरकाशी पहुंचे हैं, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह कांग्रेसी कार्यकर्ता पूर्व सीएम हरीश रावत के आगमन को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता दें कि यहां उत्तरकाशी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जनता को संबोधित करेंगे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में यहां पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भारी उत्साह।